हम पढ़ रहे हैं जीओसी, ठीक है। इसमें हमने जो है एल्केन का जो है नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज एल्केन और अल्काइन, इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कुछ रूल्स आते हैं, जैसे आपने एल्केन्स में रूल्स पढ़े वैसे ही एल्केन्स के केस में भी क्या होते हैं रूल्स होते हैं। पहला रूल इसमें क्या है, पहला रूल ये कहता है कि जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हो। इन केस ऑफ एल्केन पेरेंट चेन वो वाली होती है जो सबसे लंबी वाली चेन होती है, वो वाली आपकी क्या होती है, पेरेंट चेन होती है। बट इस केस में क्या होता है, पेरेंट चेन वो वाली होगी जिसमें आपके पास जो है डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना ही होना चाहिए। वो आपकी लंबी चेन हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है। द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर इट ऑल्सो डिनोट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन और नॉट। देखो कोशिश ये करनी है कि सबसे लंबी वाली चेन हो, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि सबसे लंबी वाली चेन हो, और दूसरी ये कोशिश करनी है अगर वो लंबी चेन ना भी हो लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आपका डबल बॉन्ड जो है वो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला रूल इसमें ये बोलता है आपका कि पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, आपके पास पेरेंट चेन में जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो होना ही होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना ही होना चाहिए, ठीक है। वो आपकी लंबी चेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन आपने कोशिश करनी है सबसे लंबी वाली चेन, ठीक है, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, वही आपकी क्या होगी इस केस में पेरेंट चेन। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड CH। देखो मेरे पास ये और भी कंपाउंड है, मैंने इसको क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो है वो पेरेंट चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। वहां पे कौन सी पेरेंट चेन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यही वाली लेते हैं क्योंकि ये सबसे लंबी वाली चेन है। लेकिन एल्कीन के केस में या अल्काइन के केस में आपने वो वाली चेन लेनी है जिसमें आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा ही होगा। किस चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, आप ये लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, आप ये भी लिख सकते हो 1, 2, 3 and 4। सपोज मैं ये वाली ले रही हूँ, ठीक है ना, आपकी इस चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड है, आपकी इस चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन मैं ये वाली लूंगी। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज्यादा पेरेंट चेन होती है तो उस केस में पेरेंट चेन कौन सी होती है, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सट्रेट। सपोज मैं इसी चेन को ऐसे लिखती हूँ CH3 CH, यहाँ पे भी CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। सपोज ये भी मैंने बोला कि ये भी चार कार्बन वाली चेन है, लेकिन मैं इसको पेरेंट चेन नहीं ले सकती। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ सब्सट्रेट है, नंबर ऑफ साइड चेन है, वो कितना है, खाली एक है। देखो एक ही बॉन्ड के साथ ही पूरा ग्रुप जुड़ा है, मतलब एक साइड चेन है। लेकिन अब मैंने ये वाला चार कार्बन वाली चेन ली तो इसमें मेरे पास कितने हैं, मेरे पास दो जगह पे सब्सट्रेट है। तो वो बोला रूल दैट अगर आपके पास एक से ज्यादा पेरेंट चेन कहीं भी प्रेजेंट होते हैं तो उस वाले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ सब्सट्रेट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बट इस केस में ध्यान रखो मैंने ये चेन नहीं ली 1, 2, 3, 4, 5, मैंने कौन सी वाली ली 1, 2, 3 and 4। क्यों ली, क्योंकि इसी वाली चेन में मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो पेरेंट चेन में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होना ही होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर इट आल्सो डिनोट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन और नॉट, ठीक है। नंबर सेकंड इसका जो रूल है वो ये कहता है, अब हमने क्या कर दी थी, सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट कर दी, पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमने नंबरिंग देनी होती है। इन केस ऑफ एल्केन हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन में जो आपका सब्सट्रेट होता है हम इस तरह से नंबरिंग देते हैं, दैट सब्सट्रेट द कार्बन कंटेनिंग सब्सट्रेट विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। बट इन दिस केस हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को, बाद में किसको देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में किसको देते हैं, सब्सट्रेट को। दैट मींस हम क्या देंगे, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे that the carbon containing multiple bond
कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर नंबरिंग किस तरह से करनी है कि वो वाला कार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको कम से कम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया, मैं नंबरिंग यहाँ से भी दे सकती हूँ, मैं नंबरिंग यहाँ से भी दे सकती हूँ, बट कहाँ से दूंगी, मुझे नंबरिंग इस केस में यहाँ से देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से चलने पर डबल बॉन्ड को नंबर वन पोजिशन जो है वो आ रही है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेंगे, मैं ऊपर वाले को मिटा देती हूँ थोड़ा। CH3 single bond, CH double bond, CH single bond, CH2 CH CH3 CH3 ठीक है। तो क्या बोला इसे, नंबरिंग इज डन इन सच वे दैट कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। सबसे पहले यहां पे क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले आप पेरेंट चेन को सिलेक्ट करोगे। पेरेंट चेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 8 6 ठीक है। या फिर आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 8 अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप जो है वो वाली पेरेंट चेन को जो है वो सिलेक्ट करोगे जिसमें आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होना ही होना चाहिए। इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, आपकी अपनी चॉइस है ठीक है। आप किसी को भी जो है एज अ ले सकते हो। तो क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ सब्सिट्यूट एक ही बचेगा और इस केस में नंबर ऑफ सब्सिट्यूट जो है एक ही बचेगा। तो जब आपके पास एक से ज्यादा पेरेंट चेन अवेलेबल है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ सब्सिट्यूट भी सेम है, तो मैंने कहा था आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी जो है पेरेंट चेन को ले सकते हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा चेन जो है वो अवेलेबल है जिनकी इक्वल लेंथ होती है, तो वो वाली पेरेंट चेन होती है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ सब्सिट्यूट ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे सब्सिट्यूट सेम है तो यहाँ पे वो वाला मसला जो है वो नहीं आएगा ठीक है। अब हमने क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट होकर हमने इसको नंबरिंग दे दिया, नंबरिंग में यहाँ से भी दे सकती थी, नंबरिंग में यहाँ से भी दे सकती। बट रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां से नंबरिंग करनी है, कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। मैं यहां से दूंगी 1 2 3 4 5 6 क्योंकि यहां से चलने पे टू पोजीशन पे मेरा कार्बन जो है जिसके ऊपर मल्टीपल बॉन्ड है वो आ रहा है, लेकिन जैसे जाने पे 1 2 3 4 पोजीशन पे मेरा मल्टीपल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब जो करेक्ट नंबरिंग होगी वो ऊपर वाली होगी, अब यहां से नंबरिंग जो है वो नहीं ले सकते ठीक है। तो पहला रूल इसमें ये है दैट आपने सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करनी है, एंड द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर इट आल्सो डिनोट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन और नॉट। नंबर सेकंड इज द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। याद रखना, इट मे आल्सो वायलेट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल इन सम केसेस। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां से चले पे एक पोजीशन पे आपको जो है सब्सिट्यूट पोजीशन आए, वन पोजीशन पे मिथाइल आए, और फोर्थ पोजीशन पे, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ कि वन और फोर आपके पास लोकेट आए, फिर वन जो है आपके पास हो क्या आएगा, सपोज वन पोजीशन पे आपका CH3 है और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है ठीक। और जब मैं यहाँ से चलूंगी तो टू पोजीशन पे मेरे पास जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है, वेयर एज फोर्थ पोजीशन पे मेरे पास क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। आपके हिसाब से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल जो है वो ये बोल रहा है कि लोवेस्ट, जब हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया तो हम ये बोल रहे हैं कि ये छोटा है तो हम जो है वो इसी को जो है वो लेंगे, ये नंबरिंग करेक्ट होगी, नहीं नंबरिंग कौन सी करेक्ट होगी, नंबरिंग ये करेक्ट होगी। व्हाई, बिकॉज इस केस में डबल बॉन्ड वाले को जो है वो टू नंबर मिल रहा है, वेरेज यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले को फोर नंबर मिल रहा है। सो यहाँ पे भूल जाओ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल क्या कह रहा है, जो एलकेन में आपने पढ़ा था, यहाँ पे आपको खाली जो है वो एम्फसाइज ज्यादा है किसके ऊपर, मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर। मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को खाली जो है वो लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो वायलेट कर भी सकता है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल को ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास है, पहले तो हमने ये पढ़ा कि आपने पेरेंट चेन को सिलेक्ट करनी है, सेकंड हमने पढ़ा कि हमने जो है वो नंबरिंग देनी है, नंबरिंग किस तरह से देनी है, दैट द कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल। अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास चॉइस होती है इन नंबरिंग, दैट इज आपके पास डबल बॉन्ड भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी कंपाउंड में प्रेजेंट है ठीक है, और आपके पास चॉइस है, दीज टू आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक कंपाउंड में प्रेजेंट है एंड दे आर टू देयर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, देन नंबरिंग इज डन इन सच वे दैट डबल बॉन्ड विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर और डबल बॉन्ड विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। दैट अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह पे प्रेजेंट है, चलो एक एग्जांपल ले लें, पहले मैं रूल लिखती हूं, इफ डबल, यहां ऐसे लिखो, इफ देयर इज अ चॉइस इन नंबरिंग, इफ देयर इज अ चॉइस इन नंबरिंग द डबल
एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉमा द डबल बॉन्ड विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर. ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड. Priority is given to double bond. Example भी लेते हैं इस चीज की, ठीक है. For example आपके पास क्या है, CH2 double bond CH, single bond CH, double triple bond CH, ठीक है. अब इसमें देखो आप 1, 2, 3, 4 पेरेंट चेन यही है, ठीक है. पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट कर दी. अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है, नंबरिंग. तो नंबरिंग किस तरह से हो गया, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 वन पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड है और थ्री पोजीशन पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड है. वैसे ही अगर मैं नीचे से करूँ 1, 2, 3 एंड 4 वन पोजीशन पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड है और थ्री पोजीशन पे देखो 1, 2, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड. मतलब लोकेट्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, वो सेम आ रहे हैं, ठीक है. तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आपने उस वाली नंबरिंग को जो है वो करेक्ट मान के चलना है जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन को जो है वो कम नंबर मिले. अब वन पोजीशन जो है वो डबल बॉन्ड को किस वाले में आ रही है, ऊपर वाले में आ रही है. इसका मतलब ऊपर वाली करेक्ट है, नीचे वाली क्या है वो इनकरेक्ट है, ठीक है. सो क्या है ये रूल, ये रूल बोलता है कि अगर आपके पास चॉइस है, आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो आपने नंबरिंग इस तरह से देनी है दैट डबल बॉन्ड विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर और गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, अब अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, हमने नाम देना है. चलो हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर दी, हमने उसको नंबरिंग भी दे दी, अब इसका नाम भी तो देना है, ठीक है. नाम के एंड पे क्या आएगा, नाम के एंड पे इन आएगा या नाम के एंड पे आइन आएगा. नाम पे के एंड पे जो भी चीज आती है इसका मतलब वो कंपाउंड वही है. मैंने लास्ट पे ओल लगा दिया इसका मतलब मैं अल्कोहल की बात करें, मैंने लास्ट पे अल लगा दिया सपोज इतना लगा दिया तो मैं बोलूंगी कि ये एल्डिहाइड है. मैंने लास्ट पे मैंने इथीन लगाया दैट मींस इट्स एल्कीन. मैंने लास्ट पे इथाइन लगा दिया दैट इज एल्काइन. इसका मतलब जो भी चीज एंड पे प्रेजेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डेजिग्नेट करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है. अब अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मैं क्या लिखूं, मैं पहले इन लिखूं या आइन लिखूं या बाद में क्या लिखूं, मतलब वो डेरिवेटिव किसका होगा, वो क्या कहलाएगा, वो एल्कीन कहलाएगा या फिर एल्काइन कहलाएगा, वो कहलाएगा एल्काइन. क्या कहलाएगा, एल्काइन. इसका मतलब अगर आपके पास क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, देन द कंपाउंड इज डेजिग्नेटेड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन. सो क्या आएगा नेक्स्ट रूल, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट द कंपाउंड इज रिटन एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन. और इस केस में क्या होता है, द टर्मिनल E of the ene is omitted. मतलब अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, आप लास्ट पे आइन लगाओगे. सपोज मेरे पास फोर पोजिशन पे इन है, फाइव पोजिशन पे जो है वो आइन है, सपोज करो ब्यूट टू इन फाइव आइन है, ठीक है. तो मैं क्या बोलूंगी इस केस में, इस केस में जो इन होगा ना, इन का जो सिंपल याद रखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस कंपाउंड में सेम मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो जो इन का लास्ट वाला ई होता है उसको आपने खत्म करना ही करना, ठीक है. ये खत्म वगैरह जो मैंने आपको बोला ना, वो मैंने आपको कहाँ कहाँ पे बोला, पहली चीज मैंने बोली थी कि वर्ड रूट में क्या होता है एक्स्ट्रा एयर, हम ब्यूटा इस्तेमाल करते हैं, हम पेंटा इस्तेमाल करते हैं. कब, तब जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास जो है दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए या फिर तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, दैट इज वर्ड रूट के बाद जो प्राइमरी सफिक्स होता है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उस केस में क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा ए जो है वो लगाते हैं. दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी जो प्राइमरी सफिक्स होता है दैट इज एन इन और आइन, उसका लास्ट वाला ई हम ओमिट करते हैं. अगर आपके पास क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो वॉवल से स्टार्ट होता है. सपोज ब्यूटेनॉल होता है तो उसका जो एन होता है उसका लास्ट वाला ई हम हटा देते हैं. और यहाँ पर भी एक चीज आ गई, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो जो आपका इन होता है उसका लास्ट वाला ई जो होता है उसको हम खत्म करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देते हैं इसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, आप यहां से नंबरिंग होगे 1, 2, 3 एंड
फोर, यहाँ पे कोई भी सब्सिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो नहीं आएगा, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो भी नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे देखो, ना ही इसमें सब्सिट्यूएंट है, दैट मीन सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है खत्म, ना ही साइक्लो है, इसका मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स भी खत्म। अब क्या बात आती है, अब होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट जो है चार के लिए क्या आता है ड्यूट, फिर क्या आता है उसके बाद आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, दैट ए है, ईन है या फिर आइन है। मैंने आपको अभी बोला क्या कि दैट अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड में पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में लिखना है, डबल बॉन्ड पहले लिखना है, किस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, वन पोजीशन है, दैट इज ड्यूट, वन पोजीशन, उसके बाद ईन, क्या करते हैं नाम और जो लोकेट होता है उसके बीच में हाइफन लगाना होता है, फिर थ्री पोजीशन पे क्या आएगा आपके पास, अब ये बता रहा है कि ये कंपाउंड है वो एल्काइन है क्योंकि मैंने लास्ट में आइन लगाया, लेकिन साथ में क्या करना है, इस ईन का लास्ट वाला ई जो है वो आपने हटा देना है, ये रूल बोलता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपके पास चॉइस होती है, सॉरी अगर आपके पास दो डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक और भी कंपाउंड में पाया जाता है, कंपाउंड इज डेजिग्नेटेड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट रूल क्या है, देखो हमेशा जो है डबल बॉन्ड जो है वो आपके पेरेंट चेन में ऐसा जरूरी नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है एज अ सब्सट्रेट भी जो है वो एक्ट कर सकता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इसके जो है वो डिफरेंट नाम जो है वो आते हैं, सपोज ये CH2 है, इसका नाम क्या आएगा आपके पास, मिथाइलीन, CH2 डबल बॉन्ड C, इसका नाम आता है विनाइल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ जो है वो डबल बॉन्ड, CH2 का मिथाइलीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, इसका नाम आता है इथाइलिडीन, विनाइल नाम भी आ गया, उसके बाद लास्ट आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड, इसका नाम आता है इथाइलाइन, ठीक है। ये नाम है किनके, हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चेन में ऐसा जरूरी नहीं है, सपोज ऐसी भी चीज हो आपके पास कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आ गई, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी आ गए, लेकिन कुछ मल्टीपल बॉन्ड आपसे छूट गए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, यही वाले मल्टीपल बॉन्ड आपसे छूट सकते हैं और इनका नाम क्या होगा रिस्पेक्टिवली, ये सब चीजें जो है वो होंगी, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, उनको करने की कोशिश करेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो इस केस में क्या है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, किस इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। सबसे पहले क्या करना होता है, आपने पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है, इस केस में पेरेंट चेन कौन सी होगी, वो ये वाली होगी, 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा 1 2 3 4 5, सबसे लंबी वाली चेन है, प्लस इसके जो है दोनों ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, सही। अब इसमें नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5, अब यहाँ से दो या फिर यहाँ से दो, आपकी अपनी चॉइस है, क्यों है, बिकॉज यहाँ पे भी वन पोजिशन आ रहा है, फोर पोजिशन आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, इस साइड से चल रहे हैं वन पोजिशन आ रहा है, फोर पोजिशन आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, इसका मतलब आपकी अपनी चॉइस, आप कहीं से भी जो है वो नंबरिंग दे सकते हो। नंबर थर्ड, आपने पेरेंट चेन को भी सिलेक्ट कर दिया, आपने नंबरिंग भी दे दी, अब किसका नाम आता है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का आता है, इस केस में सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो कौन सा वाला है, मिथाइल है, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, थ्री पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे थ्री, फिर एक हाइफन लगाएंगे और इसका नाम लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद प्रीफिक्स आ गया, अब किसका नाम आता है वर्ड रूट, पांच के लिए वर्ड रूट क्या आता है, पेन, ठीक है। अब हमें लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एन है, एन है या फिर आइन है, ये क्या है आपका आइन है, किस किस पोजीशन पे है, वन पोजीशन पे और फोर पोजीशन पे, जब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं सिमिलर टाइप के, वो भी तो हम डाई का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है वो कितने टाइम्स प्रेजेंट है। अब जो कि ये दो टाइम प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पेन लिखेंगे, उसके बाद वन लिखेंगे, फोर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डाई आइन लिखेंगे। लेकिन अब देखो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए ऐड होता है, तब ऐड होता है अगर आपके पास जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। देखो मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बोला था कि जहां पे भी दो डबल बॉन्ड या तीन डबल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे डाई ट्राई वगैरह होता है, वहां पे हम क्या करते हैं वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए लगाते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ए
आएगा और इसका नाम आएगा 3-methyl-pentavalent-4-diene. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH. ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब इस केस में क्या है, अगर नंबरिंग यहां से देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबसे पहले तो यही पेरेंट्स चेन आएगी, इसमें सब्सट्रेट कोई प्रेजेंट नहीं है. अब यहां से अगर दोगे तो 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. लेकिन जब हम यहां से देंगे तो इस पोजीशन, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास डबल बॉन्ड को क्या आएगा, नंबर 1 आएगा. तो जब ऐसा होता है तो पहले रूल, सेकंड वाले रूल में मैंने बोला था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में डबल बॉन्ड को क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहां से नंबरिंग डबल बॉन्ड को 1 आएगा और यहां से डबल बॉन्ड को जो है वो 3 पोजीशन पे जो है वो आएगा. ठीक है, तो अब क्या आएगा, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है बिकॉज में सब्सट्रेट प्रेजेंट नहीं है, ये साइक्लो भी नहीं है, इसके डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा कहां से, वर्ड रूट. 6 के लिए वर्ड रूट क्या आता है, हेक्स आता है. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बोला कि मल्टीपल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है. ट्रिपल बॉन्ड का नाम लास्ट पे आएगा, इट इज दिस कंपाउंड एक्ट एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन. तो इस केस में इन का नाम पहले आएगा, आइन का नाम बाद में आएगा. इन किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है. दैट इज, अब यहाँ पे हेक्सा भी लिखना पड़ेगा बिकॉज डाई आने वाला है आगे, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा, फिर 1 और 3 पोजीशन पे क्या आएगा आपके पास, हेक्सा 1, 3 डाइन, और लास्ट पे क्या आएगा आपके पास, 5 पोजीशन पे आइन आएगा. लेकिन इसका लास्ट वाला ये खत्म हो जाएगा बिकॉज जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो भी इस केस में प्रेजेंट होता है. जब डबल ट्रिपल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो डबल बॉन्ड का जो इन होता है उसका लास्ट वाला ई जो है वो खत्म होता है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये लंबी वाली चेन है और इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड, यानी दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4. ये भी आपके पास 4 कार्बोनेट वाली चेन है, थोड़ी सी छोटी है क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों है. यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ वाली साइड में भी 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन ये वाली चेन जो है वो लंबी है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे. लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं. मल्टीपल बॉन्ड इसमें भी सेम है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो क्या है, छोटी है. तो अब क्या करना है, इसकी नंबरिंग देनी है. नंबरिंग कहाँ से देंगे, अगर यहाँ से देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5. 1 पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, 4 पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है. अगर से दोगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. 1 पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड आएगा, 4 पोजीशन पे भी आएगा. इसका मतलब आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो. फिर सबसे पहले अब क्या आएगा, नाम आएगा सब्सट्रेंट का. सब्सट्रेंट क्या है इसके, इसमें 3 पोजीशन पे है लेकिन डबल बॉन्ड CH2 जब आता है तो उसका नाम क्या होता है, मिथाइलिन आता है. तो हम लिखेंगे 3 मिथाइलिन. फिर क्या आएगा यहाँ पे, वर्ड रूट 5 के लिए वर्ड रूट क्या आता है, पेंट. उसके बाद इन आएगा लेकिन डाई इन आना है, एक पोजीशन पे भी है, 4 पोजीशन पे भी है. तो हम लिखेंगे पेंट 1, 4 डाई इन. लेकिन यहाँ पे चूंकि डाई आया तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा ए लगाना पड़ेगा, दैट इज पेंटा 1, 4 डाई इन आएगा. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी एल्कीन की जो हमने जो है वो पढ़ा. ठीक है, मैं थोड़ा सा नर्सरी में बता देती हूँ कि इसके रूल्स जो है वो क्या सजेस्ट करते हैं. रूल्स बोलते हैं, सबसे पहला क्या है आपके पास, जो आपने सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करनी है. पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होना ही होना चाहिए. ठीक है, वो आपकी लंबी चेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड. नंबर सेकंड आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग इस तरह से देनी है दैट द कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर. ठीक है, ये कभी कभी वायलेट भी कर सकता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोक एंड रोड बॉन्ड. थर्ड हमें क्या करना है, अगर आपके पास चॉइस है नंबरिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी और द लोएस्ट पॉसिबल नंबर. नेक्स्ट था, अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, द कंपाउंड एक्ट एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन, तो उस केस में आइन का नाम लास्ट पे आता है लेकिन जो ईन होता है उसका लास्ट वाला ई क्या होता है, हम खत्म करते हैं. और लास्ट में हमने बोला था कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड जो डबल, जो पेरेंट चेन में नहीं आते हैं. डबल बॉन्ड तो उनमें होता है लेकिन पेरेंट चेन में नहीं आते हैं, उनके मैंने स्पेसिफिक नाम भी बताए थे. जैसे इस केस में डबल बॉन्ड CH2 को हम मिथाइलिन जो है बताते हैं. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.